जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, आज का वीडियो है एक स्टोरी प्लेइंग वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप स्टोरी वीडियो बनाओ, स्टोरी वीडियो बनाओ, तो मैं आपके रिक्वेस्ट में ला चुकी हूँ एक स्टोरी वीडियो। मैं वैसे एक पुराना स्टोरी बनाई थी जो था राजा सिमरन का वेडिंग वीडियो, तो वो तो उनका वेडिंग का पहले का था। और अब मैं आपको कौन सा वीडियो दिखाऊंगी पता है? पोस्ट वेडिंग वीडियो, यानी वेडिंग के बाद में सिमरन और उनका फैमिली कैसे रहते हैं, क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं। आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। और हाँ, एंड तक वीडियो देखना तो मज़ा आएगा। अगर आपका ऐसे सपोर्ट मिलते रहेगा तो मैं इसके और भी पार्ट बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो देखते हैं। ठीक है बेटा, रो मत, चल अभी थोड़ा सा घूंघट ऐसा डाल, ससुराल में अच्छे से रहना बेटा। हाँ माँ, ठीक है, जा बेटा जा, इस घर को अब तुझे अलविदा कहना पड़ेगा। क्या राज, क्या चल रहा है तेरा? तो अभी शादी हो गया, मन में तो लड्डू फूट रहा होगा। अरे यार, अभी चुप तो रहे, विदाई के समय तो थोड़ा चुप रहे। दीदी, अब आप चले जाओगे ना, आपका तो शादी हो गया, अब आप विदाई करके यहाँ से चले जाओगे। मुझे बहुत आपका याद आएगा। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी पिंकी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, बचपन की पूरी यादें याद करूंगी। हाँ बेटा, अब मत रो, कितना रो चुकी है। समरन जी, अब बिल्कुल मत रोइए, सिमरन को हम लोग बहुत ही प्यार से रखेंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं भी, वो तो मेरी बेटी जैसी है। बन्नूरी बन्नो मेरी, चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में, मीठी गुड़ धानी ले गई। दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई, भाभी आइए हमारे साथ। भाभी नाचे पर जाई, दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। चलो आप घर के ऊपर प्रवेश कीजिए। अरे रुकिए रुकिए, ऐसा मत गृह प्रवेश कीजिए, पहले आप कलश को गिराइए, बाद में आप घर पे प्रवेश कीजिए। और राज बेटा, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे मम्मी, सब बिजनेस अच्छा चल रहा है। वो तो बेटा अच्छा है, तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। मम्मी, ये रेशमा और चमकी दिखाने दे रहे कहाँ आए? अरे बेटा, उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, इसलिए वो हमारे उधर कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अरे एग्जाम के टाइम में पढ़ाई कर लिए? वैसे तो हमेशा घूमते ही रहते थे। हाँ बेटा, वो तो वैसे ही घूमते रहते थे, जब एग्जाम का टाइम आ गया तब पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। हाँ पता नहीं इनका क्या होगा, ये एग्जाम में जब एग्जाम होता तब पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, अब क्या करें। हाँ बेटा जाने दो। और बहू चाय बन गया? जी माँ जी, ला रही हूँ। अरे हाँ मम्मी जी, मैं चाय लेके आ गई, आपका अदरक वाला गर्मा गर्म चाय लीजिए मम्मी जी। अच्छा बेटा, तुमने अच्छा हो गया लाया, मेरी बहू कितनी अच्छी है, सुबह सुबह अदरक वाले चाय दे देती है, ऐसी बहू सबको मिले। अरे मम्मी जी, आप कितना तारीफ करेंगे मेरा। अरे बेटा तारीफ नहीं बेटा, तुम तो तारीफ की हकदार हो। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी सासू माँ हैं। और राज जी, आप लेंगे चाय? अरे नहीं नहीं, मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा, मैं सुबह सुबह मेरे दोस्त के साथ गया था ना कॉफ़ी पीने के लिए, रहने दो। ठीक है आपकी मर्जी। राज जी, आज आप थोड़ा सा फ्री हैं क्या? क्यों, क्या हो गया, कुछ काम है? नहीं राज जी, वो क्या है ना, दो दिन से ना मुझे, मतलब मेरा तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सर चकरा रहा है, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा माइंड फ्री करने के लिए आप थोड़ा सा कहाँ घुमा लेके आ जाए, तो इसलिए पूछ रही थी आप आज फ्री हैं। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन आने वाले, तो आज तो नहीं यार, सॉरी सिमरन, आज मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा यार। अरे अरे जा ना बहू को ले, थोड़ा सा घुमा लेके आ जा, बिजनेस कल चले जाना। नहीं मम्मी, वो आज ना बहुत काम है, तो मैं कल सिमरन को घुमा लेके आ जाऊंगा। ठीक है चलेगा राज जी। ठीक है, तुम थोड़ा सा आराम करो और तुम्हारे लिए मैं मेडिसिन लेके आ जाऊंगा, तुम्हें चक्कर आ रहा है ना। हाँ मम्मी जी, मैं आपके लिए आज लंच में क्या बनाऊँ? बेटा एक काम कर, आज लंच में जीरा राइस और फिर वो पनीर कोरमा और दाल बना दे बेटा, मुझे तो बहुत पसंद है, वो ही बना दे बेटा।
जी मम्मी जी, अब मैं आप प्रिपरेशन कर देती हूँ लंच के लिए। और राज जी, आप आज क्या खाएंगे? अरे मैं तो वही खाऊंगा, पनीर कोरमा मुझे वैसे पहले पसंद नहीं था, पर तुम्हारे हाथ का मुझे पसंद आने लगा है। पनीर कोरमा बहुत अच्छा बनाती हो तुम। एक हाँ, एक काम करना, टिफिन में भी थोड़ा सा पैक कर देना, आज थोड़ा लेट हो जाएगा ना आने में। ठीक है, मैं आपको टिफिन में पैक करके दे दूंगी। खाना अच्छा बनाती हूँ मैं। अरे मेरे सर में क्या हो रहा है? मम्मी मम्मी सुनो, मेरे सर में क्या हो रहा है? देखो मुझे चक्कर आ रहा है मम्मी। अरे बहू क्या हो गया, इतने जोर से आवाज आया? अरे बहू इसका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? रेशमा चमकी दोनों जाके देखो तो किचन में क्या हो गया। अरे भाभी भाभी आपको क्या हो गया? अरे रेशमा मम्मी राज भैया जल्दी से आ जाओ देखने के लिए, भाभी को क्या हो गया देखो। अरे बेटा चल रे, चमकी कितने जोर से चिल्ला रही थी, भाभी को कुछ हो गया, मतलब बहू को क्या हो गया पता नहीं, चलो जल्दी से। अरे बहू बहू क्या हो गया? अरे देखना बेटा क्या हो गया। सिमरन सिमरन क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो ना सिमरन? अरे सिमरन उठो तो, पानी लाओ, कोई पानी लाओ। अरे बेटा बहू को क्या हो गया पता नहीं, उससे पहले थोड़ा सा बेडरूम में लेके उससे पहले सुला, पता नहीं क्या हो गया बहू को। ले बेटा ले उसको। अरे बेटा बहू को यहाँ पे सुला दे। और चमकी बेटा तुम जाओ, जाके डॉक्टर को बुला दो बेटा। हाँ जी मम्मी मैं जा रही हूँ। जा बेटा दोनों जाके जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। हाँ हाँ मम्मी जा रही हूँ। और बेटा जल्दी से इसको सुला दे बेटा, सिमरन बहू को। बेटा बहू को जरा संभाल के लाओ। राज बेटा बहू के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़को तो। हाँ हाँ छिड़कता हूँ। सिमरन सिमरन मैं कहाँ हूँ? मेरे सर को क्या हो गया था? मेरे सर? सिमरन तुम चिंता मत करो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अच्छा हुआ मेरी बहू को कुछ नहीं हुआ। सिमरन चिंता मत करो, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बस तुम थोड़े से बेहोश हो गई थी। मेरे सर बहुत दुख रहा है। हाँ मैं अभी डॉक्टर को बुलाया ना, डॉक्टर तुम्हारा चेक करेंगे तुम्हें क्या हो गया है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ क्या हो गया बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला? वो जल्दी तो आ रही है ना? अरे मम्मी आप चिंता मत करो, डॉक्टर अभी थोड़ी देर में आ रही होंगे। हाँ बेटा अच्छा ये तो अच्छी बात है बेटा, डॉक्टर जल्द से जल्द आ जाए। आइए डॉक्टर आइए। आती हूँ। सर आप थोड़ा सा बाहर जाइए, मुझे आपकी वाइफ का चेकअप करना है। हाँ बेटा राज तुम बाहर जाओ, बाहर वेट करो, मैं और रेशमा सब संभालेंगे, तुम चिंता मत करो। चलो तो मैं थोड़ा चेकअप करती हूँ आपका। मैम आपके साथ क्या हुआ था? मुझे ना कुछ दिन से बहुत तबीयत खराब हुआ लग रहा है, और मेरा सर भी बहुत चक्कर आ रहा है, और आज तो मैं अचानक मैं बेहोश होकर गिर गई। ओके ओके मैं आपका चेकअप करती हूँ। क्या आपको लूज मोशंस और वोमिटिंग्स हो रहे हैं? नहीं नहीं डॉक्टर मुझे कोई लूज मोशंस तो नहीं हो रहा है, पर हाँ वोमिटिंग बहुत हो रहा है। ओके ओके मैं आपका चेक कर देती हूँ। ओके कोई डरने की बात नहीं है, ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी कैसे डॉक्टर? मेरा तो यहाँ पे मैं बेहोश होके गिर रही हूँ, यहाँ पे खुशखबरी कैसे? खुशखबरी इसलिए क्योंकि यू आर प्रेग्नेंट, आप माँ बनने वाली हैं। अरे कहा सच बोल रही हो ना डॉक्टर? हाँ हाँ मैम मैं सच बोल रही हूँ, आपकी बहू एक माँ बनने वाली है। हे भगवान भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, इसलिए इसलिए बहुत तुम्हें चक्कर और वोमिटिंग आ रहा था। हाँ आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए चक्कर और वोमिटिंग्स आते रहते हैं। अरे क्या क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? हे भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो रोना आ रहा है, खुशियों की रोना आ रहा है। आप मेरे हस्बैंड को बुलाइए ना, मुझे उनसे बात करना है। भगवान ने मेरा सुन ही लिया। देखा बेटा मैं बोल रही थी ना, भगवान से अगर तू मन्नत मांगेगी, उपवास रखेगी, भगवान का मान रखेगी कि तो तेरे पेट में एक बच्चा दे देंगे। देखा दिया ना? भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है। बेटा मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, तू राज से थोड़ा बात कर ले। तो मैं चलती हूँ, एंड मे गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी। पता नहीं क्या हो गया सिमरन को, मुझे तो बहुत बहुत चिंता हो रहा है। अरे राज सर आप अंदर जाइए और अपने वाइफ के मुंह से एक खुशखबरी सुनिए। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? अरे वो तो आपकी वाइफ ही बताएंगी, आप जाइए। तो खुशखबरी? मैं जाके देखता हूँ।
सिमरन क्या हो गया? डॉक्टर बोल रहे थे कि कुछ खुशखबरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ ना क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि आप पापा बनने वाले हैं और मैं मम्मी बनने वाली हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। मम्मी मम्मी मीठा बांटो सब के यहाँ पे मीठा बांटो, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं पापा बनने वाला हूँ, कितनी बड़ी खुशखबरी है, सबको बताओ कि मेरी पत्नी सिमरन माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ सिमरन, मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ, आज मेरा ये कितना खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ सिमरन, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, आज मुझे इतना खुशी हो रहा है जितना कभी खुशी नहीं हुआ। थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, भगवान ने हमारी सुन ही ली। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं माँ बनूंगी और मेरे हाथ में एक छोटा सा बच्चा होगा, कितनी खुशियाँ होगी ना भगवान। थैंक यू भगवान जी। और हाँ, आप सबको फोन कीजिए। अरे हाँ, मैं तो मम्मी बुआ सबको फोन करूंगी। और वो सुशील जी और पिंकी को फोन करूँ क्या? सिमरन तुम इस बारे में चिंता मत करो, हम बाद में सोच लेंगे उसके बारे में। इस टाइम में तुम ये क्यों सोच रहे हो? तो वो भी तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर जी ने क्या बोला? तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सख्त आराम की ज़रूरत है, समझ गए ना? अब वो काम झाम के लिए हम लोग रेशमा और चमकी को लगा देंगे, दोनों तो काम इतना करेंगे नहीं। ठीक है ठीक है, पर मैं थोड़ा सा काम संभाल लूँगी। ठीक है सिमरन जी, अब मैं चलता हूँ। आज तो वो बिजनेस के लिए थोड़ा सा बहुत सारा काम है, कल से मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। ठीक है राजी, अब जाइए। मम्मी देखो ना, आज कितनी खुशी वाली बात है। हाँ बेटा, तूने सच बोला, आज कितनी बड़ी खुशी आई मेरी जिंदगी में बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे मम्मी आज तो मैं बहुत सारा काम है, मैं आज तो छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, कल से मैं पूरा सिमरन को टाइम दूंगा। हाँ बेटा ठीक है ठीक है। और हाँ मम्मी जी, मम्मी और एक चीज़, आप ना सबको रिलेटिव्स को हमारे पूरे परिवार को फ़ोन करके बोल दीजिए कि सिमरन माँ बनने वाली है और मैं पापा और आप दादी बनने वाली हैं। हाँ बेटा सबको बोल दूंगी मैं। मम्मी मैं सुशील और पिंकी को भी बुला देता हूँ। अरे बेटा रुको रुको। बेटा उस दिन इतना कुछ हो गया, क्या वो ये बात सुन के आएंगे? अरे हाँ मम्मी, वो सब बातों में भूल गया था। सुशील यार तेरा बहुत याद आ रहा है यार। राज राज, इस घर में मैं और रहने चलता यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चलिए पिंकी जी, पिंकी जी। हाँ मैं आ रही हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, मुझे इस घर में अभी एक बार भी नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। अरे यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात समझने की तो कोशिश कर। नहीं यार मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलिए चलिए पिंकी जी, हम निकलते हैं। चलिए चलिए यहाँ से चलते हैं, मुझे भी इस घर पे नहीं रहना। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और फ्रेंड्स इसका पार्ट टू भी आएगा जरूर, मैं आपको ज्यादा सस्पेंस में रखूंगी, इसको जल्दी लाओगी, आपको इससे रुकना नहीं पड़ेगा, पार्ट टू जल्दी आएगा। अगर आपका सपोर्ट और आपका रिस्पांस मिला तो मैं पार्ट टू जल्द लाऊंगी। और फ्रेंड्स मैं ऐसे पार्ट्स कंटिन्यू भी करूंगी। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कर देना, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।